कल हम लोगों ने यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले पढ़े थे भैया, इसी पर बेस सम्स करेंगे अभी हम। सुनो, लिसन, ये हमारे पास में ये एक चार्ज है 50 माइक्रो कूलम और ये एक चार्ज है -100 माइक्रो कूलम। ठीक, ये एक पॉइंट है ए जो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये पॉइंट बी ये भी 50 और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये एक पॉइंट है सी ये भी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आपको क्या बताना है पॉइंट ए पर, क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करिए, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको। देखो, तुमको पॉइंट ए पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अव्वल दर्जे की बात तो ये कि तुम्हें मैं फार्मूला याद दिला दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, 1/4πε0 इंटू कितना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1/4πε0 इंटू क्या, इज इट ओके? ये हमारे पास है फार्मूले। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई ये जो है तुम्हारे पास कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब तुमको पॉइंट ए पर बताना है, तो पॉइंट ए पर जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन लाएगा, 1 और 2 दोनों लाएंगे। तो पॉइंट ए पर 1 कितने लाएगा, 1/4πε0 मतलब इतना चार्ज कितना, 50 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस कितनी, 50 सेंटीमीटर। यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। भाई पॉइंट ए पर तुमको निकालना है, तो पॉइंट ए पर तुमने 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, पॉइंट ए पर तुमने किसके कारण निकाली, 1 के कारण निकाली, और फिर पॉइंट ए पर तुम किसके कारण निकालोगे, 2 के कारण, 1/4πε0, 2 चार्ज कितना, 100 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस कितनी, जल्दी बोलो, 1.5 का स्क्वायर, बोलिए। ये आ गया, अब हमने पॉइंट ए पर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, पॉइंट ए पर 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है डायरेक्शन निकालने की, तो डायरेक्शन निकालने का काम वैसे ही करोगे जैसे कल फोर्स में करते थे, कि जिसके कारण फोर्स निकाल रहे हो उस पर बैठकर उसे देखते हो जिस पर फोर्स निकाल रहे हो। कल अपने 4-5 सम्स करे थे, जिसके कारण फोर्स निकाल रहे हो उस पर बैठो और उसे देखो जिस पर फोर्स निकाल रहे हो। अब यहाँ क्या करोगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पर बैठकर, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जैसे कल जिसके कारण फोर्स निकालते थे, बस वैसे ही जिसके कारण पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पर बैठकर किसे देखोगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो इस पर बैठकर तुम ए को देखो, अब क्या बोलोगे, इसके कारण क्या होगी, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज की टूवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना भैया, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होती है, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो मैं 50 पर बैठकर ए को देखूंगा, 50 पर बैठकर ए को देखूंगा, डायरेक्शन क्या आएगी, अवे लेफ्ट में। फिर इस पर बैठकर देखो तो क्या करोगे, अवे फ्रॉम द चार्ज की टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, डायरेक्शंस दोनों की क्या आ रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो भी निकालना है आपको इसमें से बड़े में से छोटे को घटा देंगे, और जो डायरेक्शन बड़े की होगी, अगर लेफ्ट वाली बड़ी है तो लेफ्ट वाली, और राइट वाली बड़ी है तो राइट वाली। अरे कहो, ये आया, ये तो आया। अब पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल क्या, पहले वाले के कारण कितना,
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना 50 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस कितनी, यहाँ केवल डिस्टेंस आएगी, स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। ये पहले वाले के कारण पोटेंशियल, और दूसरे वाले के कारण कितना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना 100 नहीं है, वो क्या है वो, इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी लेना पड़ेगा। मैं याद दिला दूँ, यही बात मैंने बोला एटॉमिक मॉडल के टाइम पर भी पढ़ाई थी कि अभी तुम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो उसमें तुम माइनस प्लस नहीं देखते, डायरेक्शन देखते हो, लेकिन जब तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने गए तो तब तुम क्या देखोगे, माइनस प्लस भी देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए तो तुमने क्या देखा, डायरेक्शन, माइनस प्लस नहीं देखा। पोटेंशियल निकालने गए तो तुमने क्या देखा, माइनस प्लस भी देखना पड़ेगा। तो अब ये पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो ये पोटेंशियल तो कौन सी क्वांटिटी है, सिंपली पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। समझे, पोटेंशियल इन दोनों का सम होगा। यहाँ माइनस प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस प्लस नहीं लिखता, यहाँ मैं डायरेक्शन देखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, जिस चार्ज के कारण निकाल रहे हो उस पर बैठ कर किसे देखोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो ठीक। अरे बोलिए, तो ये अभी कहानी मैंने कहाँ पर करी, अब इसी प्रॉब्लम में तुमको किस पर करना है, फजाओ शुरू। पॉइंट बी पे किया बेटा, ये 50, ये माइनस 100, और पॉइंट बी कहीं यहाँ आएगा। अब पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन करेगा, कितनी आएगी वन के कारण, पचास इंटू 10 की पावर माइनस 6, अरे बोलो, अपॉन क्या, डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वन के कारण, अच्छा टू के कारण कितनी, डिस्टेंस कितनी, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, वन के कारण निकाले टू के कारण, हाँ जी, चलो वन के कारण डायरेक्शन क्या आएगी, हर्षित बता जल्दी से, वन के कारण डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन बोल तो राइट में लेफ्ट में अपवर्ड डाउनवर्ड, क्या अभी तक तो निकल जाना चाहिए थी, अपन सोच रहे हैं, ये तो मैंने तुमको दिया करने के लिए, इस पर बैठकर देखोगे तो क्या है, अवे फ्रॉम चार्ज, बोलो, और इस पर बैठकर देखोगे तो राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड टूवर्ड्स द चार्ज, बहुत स्लो हो रहे तुम लोग, तो नेट डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ तो दिख ही रहा सीधा सीधा, क्या करोगे दोनों को, बोलो ठीक डायरेक्शन, एक मिनट में क्या लिख रहा हूँ, ये डायरेक्शन क्या आएगी, हाँ जी, और रही बात किसकी, पोटेंशियल की, तो वन के कारण पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टेंस, टू के कारण ये यहां पर पोटेंशियल का क्या करना पड़ेगा अपने को, इनको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, अरे बोलो, ठीक है, पोटेंशियल के टाइम पर मुझे माइनस प्लस लेना पड़ेगा, कहो, चलो अब सी पर करो जल्दी, किया, क्या होगा, अभी मुझे कहां पर निकालना है, सी पर किसके कारण,
वन के कारण कितनी होगी, चार्ज कितना, डिस्टेंस बताओ जल्दी से कितनी है। 1.5 का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है ये बताओ, वन के कारण इस पर बैठकर उसको देखो, सीधी बात है, इस पर बैठकर उसको देखो, अवे फ्रॉम द चार्ज। और टू के कारण क्या होगी जल्दी बोलो, वैल्यू ये। डायरेक्शन क्या होगी, हाँ जी लेफ्टवर्ड, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, दिख ही रहा है मुझे सीधा सीधा कि ई टू की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ई वन की वैल्यू कम आएगी और नेट डायरेक्शन बड़े की डायरेक्शन में आ जाएगी। बोलो, अब बारी आती है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल में क्या कहानी आएगी, वन के कारण कितना, चार्ज कितना, जीरो पॉइंट, पहले नहीं, पहले के कारण कितना, दूसरे के कारण, पोटेंशियल तो सीधा सीधा क्या आएगा, इन सबका अलजेब्रिक सम। बोलो कर लीजिए, कर चुके, चलो यहां तुम्हारे पास में ये ओरिजिन एक्स इक्वल टू है, एक्स इक्वल टू टू है, एक्स इक्वल टू फोर है, एक्स इक्वल टू एट है, इन्फिनिटी तक इन सभी पोजीशंस पर चार्ज क्या रखा है, इन सभी पोजीशन पर चार्ज क्या रखे हैं, आपको ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बताने हैं। क्या बताने हैं आपको, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक, हो जाओ शुरू, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बताने, करिए जी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, पहले के कारण, दूसरे के कारण, सबके कारण निकालोगे। अच्छा बाई चांस सारे चार्जेस क्या हैं, वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस पर बैठ के देखो उसे, क्या बोलोगे, ऐसे या ऐसे, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड्स या राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड्स। फिर ये इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण लेफ्ट में होगी, अरे सबके कारण क्या होगी, लेफ्ट में ही होगी, सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, सबके कारण डायरेक्शन सेम आ रही है ना भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो क्यू अपॉन फोर पाप सर नॉट कॉमन निकाल दिया अपन ने, पहले के कारण क्या होगी, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, चौथे के कारण, बोलो इन सबके कारण क्या करेंगे हम, ऐड क्यों कर पाया, क्योंकि सबके कारण क्या है, सेम है भाई, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सब में आने वाला है, और अब यहाँ से ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, अब ये क्या आया, वन प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्सटीन प्लस वन बाय सिक्सटी फोर, इसका सम कैसे निकालो बताओ, तुम लोग बताओ, दुर्गेश बोलो, ये जीपी बन रही है, ये क्या बन रही है, एक इनफाइनाइट जीपी, एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसका सम निकालोगे क्या आएगा बेटा, ए अपॉन वन माइनस आर, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और आर क्या होता है कॉमन रेशो, ए होता है फर्स्ट टर्म और आर क्या होता है, पहले भी देखा अपन ने, कहाँ देखा था, ग्रेविटी में नहीं, अभी कुछ दिन पहले भी देखा है,
नहीं देखा था, मैथ्स में आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में आया था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आया था, मैथ्स में आया था। ये इसका सम ध्यान रखो, इधर देख लो यविश, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। देखो इसको समझने का तरीका क्या है, हर बार तुम एक नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर बार तुम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक नंबर का। ए में आर का मल्टीप्लाई करा ए आर, फिर आर का मल्टीप्लाई करा ए आर स्क्वायर, फिर आर का मल्टीप्लाई करा, ठीक है, हर बार एक नंबर का मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, फिक्स नंबर का। निमिषा अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जैसे तुम ये देखो इसका क्या होगा, ये q अपॉन क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर। अब यहाँ ए क्या है, यहाँ पर ए है 1, और हर बार तुम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 आए, 1/4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1/16 आए, 1/16 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1/64 आए। एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 1/4, हर बार तुम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/4 का। अरे बोलो, हर बार मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यश 1/4 का। तो इसका सम क्या होगा, ए अपॉन 1 - r, और r क्या है यहाँ पर बेटा, r क्या है 1/4। ए कितना है फर्स्ट टर्म जो कि ये 1, अब 1 में से 1/4 जाएंगे तो कितना बचेगा, q अपॉन 4 πε₀ a² ये कितना आएगा, 4 ऊपर चला गया, 4 से 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसल, फाइनली आ जाएगा। ये क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम ध्यान रखने का है मेरे को। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या करना है हमको भैया, याद रखना है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 - r। बोलो, कर लिया फिर पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल निकालिए। आपको ये इन्फाइनाइट जीपी का सम बताया बेटा, इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी भी आगे भी, हाईली यूजफुल फार्मूला। पोटेंशियल तो कौन सी क्वांटिटी है बेटा, पहले वाले के कारण क्या होगा 1/a, दूसरे वाले के कारण क्या होगा, तीसरे वाले के कारण, यहां 1/a क्या आ गया, क्या होगा बेटा, इन्फाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, ए अपॉन 1 - r। ए कितना है इस बार 1, और r क्या है, एवरी टाइम तुम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/2 का। 1 में से हाफ जाएंगे तो हाफ बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, बोलो ठीक। कर लिया बेटा, अरे कहो, कर चुके, चलो ये x = 0, x = a पर चार्ज q है, x = 2a पर चार्ज -q है,
एक्स इक्वल्स टू फोर ए पर फिर से चार्ज क्यू है, एट ए पर चार्ज कितना है एंड सो ऑन। हमको क्या करना है, वही ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक अल्टरनेट चार्जेस प्लस माइनस रखे हुए हैं। चार्जेस कैसे रखे हुए हैं, हो जाओ शुरू। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बताने। फील्ड में क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण तो जितनी भी लेफ्ट वाली उनको सबको एक साथ ऐड कर देंगे, जितनी भी उनको सब एक साथ ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, लेफ्ट वाली में से राइट वाली को क्या कर देंगे, लेफ्ट वाली ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी, क्योंकि तुम ये समझो कि सबसे कम डिस्टेंस इसी की, सारे चार्जेस तो बराबर हैं, चार्जेस तो सारे क्या हैं, चार्जेस सारे बराबर हैं, बोलो है या नहीं है। इसकी डिस्टेंस सबसे कम है इसलिए इसके कारण जो आएगी वो क्या आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी। तो यही डोमिनेंस शुरू हो जाएगा कि लेफ्ट वाली ज़्यादा है फिर राइट वाली कम है, फिर इधर देखा जाए तो ये ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, और इधर डिस्टेंस बढ़ गई तो ये क्या है, नहीं आया समझ में, चार्जेस सारे सेम है, इसके कारण डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस जब कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के, लेकिन अल्टीमेटली समरी ये है कि जिसमें डिस्टेंस कम उसके कारण वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ डिस्टेंस कम होने के कारण ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण कम है, फिर यहाँ डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा होगी, ये कम होगी, बोलो। तो लेफ्ट वाली सारी जोड़ दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अपन वही समरी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो इसके कारण क्या होगी, ये वाली होगी वन अपॉन वन का स्क्वायर, और ये क्या होगी, ये माइनस हो जाएगी वन अपॉन टू का स्क्वायर, फिर ये वाली क्या होगी वन अपॉन फोर का स्क्वायर, और ये वाली क्या होगी, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, अरे बोलो, ये वन इस डिस्टेंस कम है ये प्लस, फिर डिस्टेंस ज़्यादा है माइनस, अरे बोलो ना, माइनस इसलिए नहीं कि चार्ज माइनस है, बात ये कि इस वाले को अपन प्लस दे रहे हैं और ये वाले को माइनस, बोलो अगेन, ये क्या बन रही है तुम्हारे पास, एक ये जीपी बन रही है, कैसे जीपी बन रही है, ये जीपी कैसे बन रही है, ये वन माइनस वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्सटीन माइनस वन बाय सिक्सटी फोर, सो दिस इज बिकमिंग अ जीपी, एक ऐसी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन रेशो, इसका फर्स्ट टर्म है वन और कॉमन रेशो कितना है इसका माइनस वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर है कि नहीं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये आएगा माइनस वन बाय फोर, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये आएगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये आएगा, क्या आएगा, ये क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इनटू कितना ए अपॉन वन माइनस आर, और आर क्या है, आर क्या है माइनस वन बाय फोर, अरे बोलो, माइनस माइनस प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट एग्जैक्टली यू गेट, क्यू अपॉन फाइव पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, बोलो, अरे कहो, ठीक, तो ये तो आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए तो कॉमन आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव, फिर पॉजिटिव भाई पोटेंशियल तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अभी क्या होगा, अगेन दिस इज बिकमिंग अ, ये क्या बन गई, एक जीपी बनी है, कौन सी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म कितना है
और कॉमन रेशो माइनस वन बाय टू, तो क्या होगा ये? क्या होगा ये? टू ऊपर चला जाएगा, टू से ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा फाइनली? ठीक, बोलते जाओ। लेफ्ट वालों को एक साथ ऐड कर दो, राइट वालों को एक साथ ऐड कर दो, फिर दोनों में से बड़े में से छोटे को घटा दो, वो भी कर सकते हो, बात तो वही पड़ेगी। लेफ्ट वालों की एक अलग जीपी बना ली, राइट वालों की एक अलग जीपी बना ली। टू चार्जेस क्यू एंड फोर क्यू, टू चार्जेस क्यू एंड फोर क्यू आर केप्ट एट डिस्टेंस डी टू चार्जेस क्यू एंड फोर क्यू आर केप्ट एट डिस्टेंस डी 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 टू चार्जेस क्यू एंड फोर क्यू आर केप्ट एट डिस्टेंस डी डिटरमाइन पोजिशन वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन पोजिशन वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम जीरो डिटरमाइन पोजिशन वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम जीरो वो पोजिशन बताने जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जीरो हो करिए हो गया देखो सुनो भैया अगर ये एक चार्ज Q1 है और ये Q2 है यहाँ ध्यान दीजिए ये एक चार्ज क्या है ये Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो सकती है जरा अपन देखें इनके साइड में जीरो हो पाएगी क्या मैं यहाँ जाता हूँ हो पाएगी क्या क्यों इस वाले चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होगी लेफ्ट राइट जल्दी बोलो जल्दी बोलो टाइम नहीं है मेरे पास इसके कारण होगी लेफ्ट में इसके कारण क्या होगी लेफ्ट में तो क्या यहाँ जीरो हो पाएगी चलो उधर जाता हूँ उधर इसके कारण क्या होगी इसके कारण क्या होगी क्या जीरो हो पाएगी क्योंकि दोनों में ऐड होगी यहाँ पर भी ऐड होगी इससे जीरो नहीं हो सकती यहाँ भी ऐड होगी इससे जीरो नहीं हो सकती यहाँ बीच में आओ इसके कारण क्या होगी बीच में Q1 के कारण जल्दी बोलो राइट में और Q2 के कारण यहाँ जीरो होगी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है तो जीरो हो पाएगी बोलो तो कुल मिलाकर समरी क्या बन रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो रही है समरी बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो रही है बीच में हो रही है साइड में नहीं हो सकती ये बिल्कुल वैसा ही है कल जैसा तुमने देखा था कि लाइक चार्जेस के केस में इक्विलिब्रियम बीच में आता है लाइक चार्जेस के इक्विलिब्रियम कहाँ आता है बीच में तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगी बीच में जीरो हो पाएगी बीच में जीरो कहाँ होगी बीच में जीरो वहाँ होगी जहाँ इसके कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो कैंसिल हो गए वो जीरो हो जाएगा अरे बोलो हाँ जी ठीक है अच्छा पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा पोटेंशियल अर्पित मिश्रा जल्दी बोल पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन वाली बात ही नहीं भैया पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है मिश्रा बोलो केशव क्या बोलो तुम अर्पित दोनों की वैल्यू
सेम हो जाए तो उससे क्या होगा? आदित्य आनंद बोलो जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ आ रही है? बीच में आ रही है। पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के कारण ऐड होगा। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके कारण भी पोटेंशियल पॉजिटिव, इसके कारण भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ोगे तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता। पोटेंशियल जीरो वाला केस इस केस में पॉसिबल है ही नहीं। कुछ बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल कहीं पर भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोटेंशियल यहाँ भी तुम ऐड करोगे, यहाँ भी ऐड करोगे, वहाँ भी ऐड करोगे। बोलो, अरे कहो, ठीक है। चलो, अब अगर तुम्हारे पास में ये एक चार्ज है प्लस और ये एक चार्ज तुम्हारे पास में क्या है? माइनस। अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में बात करूँ मैं तो बीच में क्या होगा? इसके कारण क्या होगा डायरेक्शन? राइट साइड। और इसके कारण? इसके कारण भी राइट साइड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। चलो साइड में आओ, इधर इसके कारण लेफ्ट वर्ड और इसके कारण राइट वर्ड। तो यहाँ जीरो हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी। भाई जो छोटा चार्ज होगा उसके ज़्यादा पास होगी, भी सीधी बात है। अगर छोटा चार्ज इस तरफ है तो इस तरफ आएगी और छोटा चार्ज अगर इस तरफ है तो इस तरफ आए। जैसे कल फोर्स जीरो कहाँ आया था? छोटे चार्ज के पास में। वो दोनों ही केस में हुआ था। पर मसले की बात यह है कि अगर लाइक चार्जेस हैं कौन से चार्जेस हैं तो क्या होगा? अगर लाइक चार्जेस हैं तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी? बीच में। और पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? होगा ही नहीं, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी? साइड में। साइड में कितना? छोटे चार्ज के पास। ये तो अभी छोटे चार्ज के ज़्यादा पास आएगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? पोटेंशियल यहाँ भी जीरो हो सकता है, यहाँ भी जीरो हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। अगेन पोटेंशियल छोटे चार्ज के पास में जीरो होगा, क्योंकि इस बार एक पोटेंशियल भाई पोटेंशियल जीरो कब होगा? पोटेंशियल जीरो तब हो पाएगा ना जब एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव कैंसिल कर रहा हो। पोटेंशियल जीरो कब हो पाएगा? जब एक पॉजिटिव को नेगेटिव क्या कर रहा हो, तब पोटेंशियल जीरो हो पाएगा। वरना पोटेंशियल जीरो हो पाएगा क्या? पोटेंशियल जीरो तब होगा मैंने पॉजिटिव कैंसल्ड बाय नेगेटिव। यहाँ दोनों पॉजिटिव तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, यहाँ कैंसिल हो सकते हैं। वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। अभी अपन प्रॉब्लम करेंगे, क्लियर हो जाएगा। सेंटर पर डिपेंड करेगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो सेंटर पर होगा, ठीक है। कहिए, अभी प्रॉब्लम जो दी है उसको करिए। अभी चार्ज कौन सा था? अभी तुमसे चार्ज क्या बोला था भैया? एक कौन सा चार्ज और एक कौन सा? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी मुझे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी? साइड में हो सकती है क्या? साइड में क्या होगा? दोनों के कारण डायरेक्शन सेम होगी, इधर भी सेम, तो कैंसिल नहीं हो पाएगी। बीच में कहीं जीरो होगी? माना ये डिस्टेंस एक्स है, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये कितनी होगी? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो कैसे होगी? जो इसके कारण है वही उसके कारण है। बोलो ना, यहाँ जीरो कैसे होगी? जो इसके कारण है वही। बोलो, तो इसके कारण कितनी होगी? क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और उसके कारण कितनी होगी? फोर क्यू अपॉन क्या? और ये दोनों क्या रहे? इक्वल रहे। बोलो, ये कैसे जीरो होगी भैया? इसके कारण कितनी? क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और उसके कारण कितनी? फोर क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे बोलो ना, इसके कारण ऐसे और इसके कारण ऐसे।
दोनों के डायरेक्शंस क्या हो गई, कैंसिल हो जाएंगी। जहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड्स, भाई डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही नहीं है बीच में, जहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, सीधी सीधी बात है। अभी क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, क्यू से क्यू क्या हो गया बेटा, क्या आएगा, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इससे डी माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अच्छा पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, पोटेंशियल तो जीरो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना भैया, कहो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को समा भी करोगे तो पोटेंशियल कैन नेवर बी जीरो। हाँ बोलो, इन्फिनिटी पर होगा, पर वो मतलब अपना प्री अजम्पशन है कि वो तो वहाँ पर अपन फाइंड आउट करने की बात ही नहीं कर रहे। इन अबव क्वेश्चन डिटरमाइन पोटेंशियल एट पोजीशन, इन अबव क्वेश्चन डिटरमाइन पोटेंशियल एट पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इन अबव क्वेश्चन डिटरमाइन पोटेंशियल एट पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपको उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई है। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई थी, तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पहले वाले के कारण कितना, पहले वाले के कारण कितना भैया, q अपॉन डिस्टेंस कितनी आ रही है, और दूसरे वाले के कारण कितना, ये डिस्टेंस अगर d बाय 3 है तो बाकी की कितनी बची, अगर वो डिस्टेंस d बाय 3 है तो ये कितनी बची भैया, 2d बाय 3। बोलो ना यार, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, q अपॉन d भी कॉमन निकाल दिया अपन ने, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d इनटू कितना, ये आ जाएगा 3 और ये कितना, 300, ये 3 × 6, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा। अरे q दोनों में से कॉमन निकाल दो, d भी दोनों में से कॉमन निकाल दो, 3 ऊपर चला गया और 2 से गया ये 2 दो बार और 3 × 6, कहो आंसर क्या आया, ठीक। कर लिया, टू चार्जेस q एंड माइनस 9q, टू चार्जेस q एंड माइनस 9q आर कैप्ट एट डिस्टेंस l, टू चार्जेस q एंड माइनस 9q आर कैप्ट एट डिस्टेंस l, कितनी डिस्टेंस पर रखे दोनों चार्ज, l दूरी पर, टू चार्जेस q एंड माइनस 9q आर कैप्ट एट डिस्टेंस l, Determine positions where electric field and electric potential are zero. Determine positions where electric field and electric potential are zero. करिए। जी। एक चार्ज कौन सा, दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, साइड में किधर, बहुत बढ़िया, कहीं यहां हो रही है, मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल, तो जीरो कैसे हो पाएगी, जब इसके कारण जो है और उसके कारण जो है दोनों बराबर हो और डायरेक्शंस क्या हो अपोजिट, तो डायरेक्शंस तो अपोजिट आ ही रही है। अरे कहो ना यार, इसके कारण क्या होगी ऐसे और इसके कारण क्या होगी ऐसे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ रहा है,
एक्स इक्वल टू कितना आ गया? सो दिस इज द पोजिशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. अरे बोलो, अब बात क्या बोली उन्होंने? पोटेंशियल की. तो पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा भाई? पोटेंशियल के जीरो होने के चांसेस दो जगह हैं, बीच में भी हो सकता है. चलो बीच में कहीं यहाँ हुआ. अगर ये x है तो ये क्या होगा? अगर ये x है तो वो l माइनस x होगा. तो इसके कारण क्या होगा और उसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये और इसके कारण ये, इन दोनों का सम जब जीरो हो जाए तो आंसर बोलो ना यार भाई. q के कारण क्या होगा? q अपॉन x. और माइनस साइन q के कारण क्या होगा? q के कारण क्या होगा? q बाय x. और माइनस साइन q के कारण, बस इसको सिंप्लीफाई करो, इससे x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? L बाय 10. एक पोजीशन ये पॉसिबल है और एक ऐसी भी पॉसिबल हो पाएगी कि ये तुम्हारे पास में कितना है, ये तुम्हारे पास में q है, ये माइनस नाइन q है, एक पोजीशन तुम्हारे पास में यहाँ भी कहीं आ पाएगी. अब अगर ये डिस्टेंस x है तो q के कारण क्या होगा? q अपॉन x. और माइनस नाइन q के कारण क्या होगा? माइनस नाइन q अपॉन क्या? इसको सिंप्लीफाई करो, इससे x निकालो, L by 8. So these are two positions. इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो साइड में ही जीरो नहीं है, पक्की बात. इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? इससे इतनी, इससे L by 10, तो 9 Q से कितना होगा? 9 L by 10. अगर इससे L by 10 है तो बाकी का बचा हुआ क्या? 9 L by 10 इससे होगा, कहो ना. और यहाँ क्या होगा? इससे कितना? तो उससे कितना? L प्लस L बाई 8, 9 L बाई 8. कुछ समझ में आया मैंने क्या करा दीपशिका? इससे L बाई 10 है बेटा, तो बाकी का बचा हुआ L माइनस L बाई 10 कितना? 9 L बाई 10. इससे यहाँ देखो तो इससे कितना L बाई 8, तो उससे कितना? L प्लस L बाई 8, 9 L बाई 8. बोलो चलो. दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ भी चार्ज क्यू रखा है, यहाँ भी चार्ज क्यू रखा है, साइड लेंथ सारी ए हैं. इस तीसरे वर्टेक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बताइए. तीसरे वर्टेक्स पर क्या बताना है तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बताइए. कर लिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण निकालनी है. वन के कारण कितनी आएगी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड वन के कारण कितनी आएगी? क्यू बाय ए स्क्वायर. और टू के कारण भी इतनी आएगी? अच्छा डायरेक्शन क्या आएगी बताओ बेटा? वन के कारण डायरेक्शन क्या आएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज. और टू के कारण इधर एंगल कितना बन रहा दोनों के बीच? 60. तो अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर फार्मूला, इक्वल टू नेट ई जो होगा उसका फार्मूला क्या? 2E1. बोलो. इस बेसिस पर तुम्हारे पास में डायरेक्ट आंसर आ रहा है √3Q a/2. बोलो. और रही बात पोटेंशियल की, तो पहले के कारण और दूसरे के कारण दोनों के कारण पोटेंशियल क्या है? तो नेट पोटेंशियल क्या होगा दोनों का सम? हाउ मच इट इज? कहिए. ठीक. कर लिया बेटा?
चलो फटाफट तीसरे वर्टेक्स पर इलेक्ट्रिक फील, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बताइए। क्या बताना तुम्हारे को? इलेक्ट्रिक फील, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बताइए। हाँ जी हो गया। क्या होगा भैया इस चार्ज के कारण क्या होगा? और ऐसा होगा दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 120। तो नेट ई जो आएगा इस बार क्या आएगा? वो 2E1 cos 120/2। और ये तो याद है अपने को कि दोनों के वैल्यू सेम और एंगल वन है, 120 है, तो कितना आता है? वही आ जाता है। अरे बोलो। अच्छा पोटेंशियल क्या होगा? पहले वाले के कारण क्यू अपॉन है और दूसरे वाले के कारण माइनस क्यू अपॉन है। सॉल्विंग दिस विल गेट मी नथिंग बट, ठीक कर लिया होगा ये? यहाँ बताना है आपको, करिए। हो गया बेटा। अब यहाँ हमने नंबर्स दे दिया इनको, मान लो इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2 और इसको नंबर दिया 3। अब 1 और 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? अरे 1 और 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी है ना? 1 के कारण और 3 के कारण कितनी होगी? क्यू बाय ए स्क्वायर। और 2 के कारण क्या होगी? क्यू बाय, कल भी किया था इस तरह का सब अपन ने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई? 1 के कारण कैसी? ऐसी। 3 के कारण कैसी? 1 के कारण ऐसी, 3 के कारण ऐसी। अच्छा 2 के कारण कैसी? वन के कारण ऐसे आवे, 3 के कारण ऐसे आवे और 2 के कारण। अरे बोलो अब क्या होगा? अब अपने को नेट कैसे निकालेंगे? अपन नेट कैसे निकालेंगे? चाहो तो तीनों को x और y के अलावा रिजॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका तुम्हें क्या बताया था कल मैंने? 1 और 3 का रिजल्टेंट निकालो। 1 और 3 का रिजल्टेंट क्या होगा? हाँ जी यह आएगा, कितना आ गया वो? 1 और 3 का आ गया। अच्छा 1 और 3 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? चूंकि दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बीच में आएगा। बीच में तो आएगा पर बिल्कुल बीच में आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी बेटा? E13 + E2। बोलो ना यार। फाइनली क्या आ जाएगा? ये क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू कितना? 1/2। क्या ये समझ में आया सभी को? बोलो आदर्श, कुछ समझ में आ गया भाई? एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या था तुम्हारे पास? तुम तीनों को x और y के अलावा रिजॉल्व कर लो, कहो ना। तो ये तो बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे? 1 और 3 के कारण पोटेंशियल क्या है और 2 के कारण क्या है? तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेट पोटेंशियल क्या होगा? V1 + V2 + V1 + V2 + V3। बोलो बस इसको ऐड कर दो तो क्यू बाय ए कॉमन आ जाएगा। ठीक कहिए। ठीक
समझ चुके सभी लोग? तो ये तुम्हारे पास क्या आया? हाँ जी, ठीक। चलो सभी वर्टाइसेस पे चार्ज क्या रखा है बेटा? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करिए। जी हो गया, क्या है आंसर भाई? यहाँ चारों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 1 2 3 4 1 2 3 4 इन चारों के कारण अगर अपन देखें तो सेंटर से भाई 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही 2 के कारण आएगी, वही 3 के कारण आएगी, और वही कितनी आएगी चारों के कारण? क्यू अपॉन क्या? ए बार रूट 2 का स्क्वायर। क्यों? ये डिस्टेंस जो होती है सेंटर से कितनी होती है? ए अपॉन रूट 2 भाई, टोटल डिस्टेंस रूट 2 होती है, तो उसका हाफ कर दो। अरे बोलो, अब बारी आती डायरेक्शन की, तो 4 के कारण डायरेक्शन ऐसी और 2 के कारण ऐसी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए भाई? 4 के कारण ऐसी, 2 के कारण ऐसी, दोनों आपस में क्या हो गए? चलो 1 के कारण कैसी और 3 के कारण, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? 1 के कारण ऐसे हुए इवन, 4 के कारण ऐसे हुए, 2 के कारण ऐसे हुए, इसके कारण ऐसे हुए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? E3 और E1 क्या हो जाएंगे आपस में? अरे E3 और E1 ये आपस में क्या हो जाएंगे? ऐसे ही ये E2 और E4 भी आपस में क्या हो जाएंगे? सॉल्विंग दिस विल गिव यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी रे? हाँ जी, और रही बात पोटेंशियल की, फिर वही बात चारों के कारण सेम होगा, V1 V2 V3 और V4 कितना होगा? Q अपॉन क्या बोलो? चारों के कारण ये आएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? 4V1। सो आंसर क्या आ जाएगा? 4√2 क्यू बाय, बोलो ठीक। हो गया, चलिए नाउ यू हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तुम्हारे पास में क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है? बोलो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड लेंथ क्या है बच्चों? ए है। इसके सेंटर पर क्या बताने तुम्हारे को? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेंटर पर बतानी है। हुआ बेटा? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हारे पास में जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इधर ध्यान दे लो, इसकी जरूरत तुम्हारे को बार बार पढ़ने वाली है, इधर ध्यान दे लो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ कितनी बेटा? ए है। तो अगर ये इसका सेंट्रॉइड होता, सेंट्रॉइड जी, इसके सेंट्रॉइड की इस ध्यान देना, इसके सेंट्रॉइड की अगर किसी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालनी हो, किसी एक वर्टेक्स से, ये डिस्टेंस जैसे अपन ने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको क्या नाम दे दिया? सी। अब अगर तुम्हारे को डिस्टेंस निकालनी है बी जी, किसी भी वर्टेक्स की इससे डिस्टेंस निकालनी है, मैं दो डिस्टेंस निकालूंगा यहाँ पर, वर्टेक्स की किससे? सेंट्रॉइड से, सेंटर से। अरे बोलो यार, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है?
कितनी है? ए है। ठीक है, तो अपने को ये बीजी निकालना है। बीजी कैसे निकालो? तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर मसले की बात यह कि अपन यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं डी। क्या नाम दे दिया इसको मैंने? अभी ज़रा बताइए मुझको, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। बोलो, और ये जो डिस्टेंस आएगी बी डी, ये कितनी आएगी? ए बाई टू। बस अब इस ट्राइंगल में तुम निकाल दो, तो ट्राइंगल में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। बोलो होता है कि नहीं? बी डी, बी डी कितना है? ए बाई टू। बी जी कॉस 30 कितना? इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यू विल गेट बी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बाय रूट 3। बी जी की वैल्यू क्या आएगी? तो इसका मतलब समझ लेना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आइंदा से बिल्कुल याद रखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स की सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे वो ए बाय रूट 3 आएगी। दिस यू विल ऑलवेज रिमेंबर एज अ फार्मूला। अब ऐसे ही तुम क्या करो, बेस बेस अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यानी जी डी और बेस यानी क्या? बी डी। अरे परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है? जी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? 10 30। और जी डी कितना है मालूम करना है सर, वही तो। बी डी कितना है? ए बाय टू। 10 30 कितना है? इससे जी डी निकालो आराम से, कितना आएगा? सो दिस यू विल ऑलवेज रिमेंबर एज एन आइडेंटिटी। ये तुम हमेशा क्या रखोगे? एक क्या क्या आइडेंटिटी है कि कभी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो वर्टेक्स है उसकी, किसी भी वर्टेक्स की सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे वो हमेशा कितनी आएगी? जैसे अपन ने अभी बी की जी से निकाली, ए की जी से या सी की जी से निकालूंगा वो यही आएगी। और ये आ गया। और दूसरी चीज क्या, अगर सेंटर की साइड से डिस्टेंस निकालोगे, इससे निकालू, इससे निकालू या इससे निकालू, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कितना? ए बाय टू। हमेशा ध्यान रखना, इसकी जरूरत तुम्हें आइंदा भी पढ़ने वाली है। समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स की सेंटर से डिस्टेंस ए बाय रूट 3 होगी और साइड की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? आइंदा से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पहले से नोट डाउन करो, जो सम दिया वो करो। अब प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये डिस्टेंस ध्यान रख लेना है। ये क्वेश्चन जो था ये करा, क्या आया भाई? ये चार्ज 1, ये चार्ज 2 और ये चार्ज क्या? अभी 1 के कारण या 2 के कारण या 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के कारण क्या आएगी बेटा? क्या आएगी? यानी कितनी आ गई भाई? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण निकाली या 2 के कारण निकाली या 3 के कारण निकाली? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकाली? या 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो ये आएगी, 2 के कारण निकाली वो भी आएगी, 3 के कारण निकाली वो भी आएगी। बोलो आएगी। अब बारी किसकी आती है? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डायरेक्शन कैसे निकलेगी भैया? 1 के कारण भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो 1 के कारण डायरेक्शन कैसी आएगी? ये 1 के कारण आई, चलो सर ठीक है। अच्छा 2 के कारण कैसी आएगी और 3 के कारण कैसी आएगी? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? अरे बोलो। 1 के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, 2 के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, 3 के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज। अब मैं क्या करूंगा मुझे बताओ?
वन के कारण, टू के कारण, थ्री के कारण निकाल दी, अब मैं क्या करूं? ये कहानी समझ में आ गई? अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा बताओ? अब या तो मैं तीनों को x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा क्या करूं? या तो मैं तीनों को x और y के अलावा क्या करूं? या फिर तीनों को x और y के अलावा रिजॉल्व करने के बाद ना dx निकालूं ना dy निकालूं? इसके बजाय मैं काम करता हूं, मैं e2 और e3 का रिजल्टेंट निकालता हूं। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? e2 और e3 के बीच क्यों 120? ये कितना है? ये कितना है? तो ये कितना बचा? तो ये भी कितना बचेगा? तो आप एक काम करो, 2 और 3 का रिजल्टेंट निकालो। तो 2 और 3 का रिजल्टेंट क्या होगा? 2e2 cos 120 by 2। और इतना तुमको पता होना चाहिए कि अगर दो की वैल्यू सेम और एंगल 120 तो वापस से वही आता है, इतना करना ही नहीं होना। ये आ जाएगा। ये किसका रिजल्टेंट निकाला तुमने? 2 और 3 का रिजल्टेंट भाई, e2 और e3 निकाला। अच्छा, e2 3 जो आया, e2 3 क्या? रिजल्टेंट ऑफ e2 एंड e3। e2 और e3 का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ? उसकी डायरेक्शन उन दोनों के बीच में होगी, दोनों बराबर है, बिल्कुल ठीक बीच में होगी। चलो वो आ गया। अब मुझे बताओ e1 कैसे निकलेगा, मतलब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? आप e2 3 उधर है और e1 इधर है, दोनों के डायरेक्शंस क्या है? दोनों के डायरेक्शंस क्या है? नेट कितना आना है? सिंपल, नेट कितना आना है? जीरो आना है, क्योंकि जो वैल्यू e2 3 की आई है वही e1 की थी। दे विल कैंसल ईच अदर एंड फाइनल आउटकम कितना होगा? दे विल कैंसल ईच अदर, फाइनल आउटकम कितना आ जाएगा? ठीक। अरे बोलो, ठीक है भैया? तो यह आ गया e1 और e23 भाई, e23 इधर गया, e1 इधर गया, दे विल कैंसल ईच अदर, फाइनल आउटकम जीरो आएगा। आएगा? अच्छा, पोटेंशियल का जहां तक सवाल है तो क्या होगा? वो पोटेंशियल तीनों के कारण सेम होंगे अगेन, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? ठीक, कहिए। समझ गए? तो इस पिक्चर में, इस कहानी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई बेटा? इस कहानी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? जीरो आई। अभी जरा तुम ध्यान दो, ओए यहां सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई, इसमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? कितनी आई थी? जीरो आई थी। ना धीरे धीरे चलते हो, देखते हो तो मेरे को पता नहीं क्या होता है यार, कितने आराम से चलते, कितने आराम से। बाबा अब बिल्कुल एकदम जैसे बेबी स्टेप्स लेकर के चलना सीख रहे हैं अभी, बिल्कुल गिर नहीं जाए कहीं हम। हाँ, इधर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? और यहाँ भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? जीरो। अरे कहो, समरी क्या बन रही है बेटा? लिसन, समरी ये बन रही है, समरी ये बन रही है बेटा कि कोई भी तुम्हारे पास में एक रेगुलर डायग्राम हो, रेगुलर ज्योमेट्री हो, जैसे ये देखो ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल होना, जैसे ये ले लिया, जैसे ये ले लिया स्क्वायर, जैसे स्क्वायर ले लिया, जैसे मैंने कोई रेगुलर पेंटागॉन ले लिया, मैंने कोई रेगुलर हेक्सागॉन ले लिया, इवन मैंने जैसे कोई सर्कल ले लिया, कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर, ऐसा नहीं ट्रायंगल है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, वो नहीं बोल रहा मैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होना, स्क्वायर होना, कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री है,
और उसके सभी वर्टाइसेस पे सेम चार्ज रखोगे, सभी वर्टाइसेस पे चार्ज क्या रखोगे, सेम चार्ज रखोगे सब पर, ठीक है, सभी वर्टाइसेस पर सेम चार्ज रखा, सभी वर्टाइसेस पर चार्ज क्या रखा मैंने, सेम रखा सब पर, मैंने क्यों क्यों चार्ज रख दिया, ये लो ये लो ये लो ये लो। अब मान लो यहाँ पूरे इस पे मैंने क्यू चार्ज स्प्रेड कर दिया, पूरे पे क्यू चार्ज स्प्रेड कर दिया, डंके की चोट पर बोलूँगा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा, जीरो। दो कंडीशन है यहाँ पर, पहली कंडीशन क्या कि वो रेगुलर ज्योमेट्री होना, रेगुलर से मतलब भाई मान लो वो पेंटागॉन है लेकिन रेगुलर पेंटागॉन नहीं है, रेगुलर पेंटागॉन नहीं मतलब पाँचों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, तब नहीं। हेक्सागॉन है लेकिन रेगुलर हेक्सागॉन नहीं मतलब छह साइड की लेंथ इक्वल नहीं है, तब नहीं। पहली वो रेगुलर ज्योमेट्री होना चाहिए, दैट शुड बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो एक सैलिन ट्रायंगल है, तब नहीं। मान लो वो क्वाड्रिलेटरल तो है पर वो स्क्वायर नहीं है, तब नहीं। दैट शुड बी अ रेगुलर ज्योमेट्री और सभी वर्टाइसेस पर चार्ज क्या रखा हो, सेम रखा हो। ऐसा नहीं कि इन दो पे क्यू रख दिया और इस पर मान लो कुछ टू क्यू रख दिया, इन दोनों पे क्यू, यहाँ क्यू 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 रख दिया और यहाँ कुछ माइनस क्यू रख दिया, सब पर क्यू या सब पर माइनस क्यू, सब पर टू क्यू, सब पे माइनस टू क्यू, सब पर सेम चार्ज रखा, तो अपन पक्की बात है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलनी है अपने को। ये सारी बात कब हो रही है, रेगुलर, दैट शुड बी अ रेगुलर पॉलीगॉन। वो कौन सा पॉलीगॉन होना चाहिए, वो एक समभुज बहुभुज होना चाहिए, दैट शुड बी अ रेगुलर पॉलीगॉन, दैट शुड बी अ रेगुलर पॉलीगॉन जिसके सभी वर्टाइसेस पर सेम चार्ज रखा है। ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने चार पे क्यू रख दिया और पांचवे पे माइनस क्यू रख दिया तो वो सेम चार्ज नहीं है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन तो डिफरेंट हो गया ना, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी। अगर सब पर सेम है, सारी साइड्स की लेंथ भी सेम है और सब पर चार्ज भी सेम है, तो सेंटर पर अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी है, जीरो आनी है। बोलो समझ गए, कर लीजिए। कर लिया, दैट शुड बी अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड अगेन आई रिपीट एट ऑल द वर्टाइसेस इक्वल चार्ज क्यू शुड बी केप्ट, सब पर क्यू रखाओ, सब पर टू क्यू रखाओ, सब पर माइनस क्यू रखाओ, कन्फर्म बात है केंद्र पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी है, ठीक है। एट फोर वर्टाइसेस एट फोर वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन, एट फोर वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन चार्ज क्यू इज केप्ट, एट फोर वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन चार्ज क्यू इज केप्ट, एट फोर वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन चार्ज क्यू इज केप्ट, ठीक है। distance of each vertex from center is a determine electric field and electric potential at center, determine electric field and electric potential at center, determine electric field and electric potential at center, करिए। क्या कहा है तुमसे, देयर इज अ रेगुलर, लिसन, देयर इज अ रेगुलर पेंटागॉन, इसके चार वर्टेक्स पर चार्ज रखा है, चार वर्टेक्स, चलो ये ले लिया मैंने, एक यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। मुझे कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके सेंटर पर, सेंटर कहीं यहाँ आ रहा है, सेंटर कहीं यहाँ आ रहा है, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब जरा मैं खोपड़ी का इस्तेमाल करूँ तो इसके कारण ऐसे होगी,
इसके कारण ऐसे होगी, इसके कारण ऐसे होगी, इसके कारण ऐसे होगी। कोई भी कैंसिल वैंसल हो पा रही है क्या? कोई एक तरीका क्या है मेरे पास, इन चारों को एक्स और वाई एक्सेस के लॉन्ग रिजॉल्व कर लूँ और फिर नेट निकालूँ। बोलो ना, नहीं आया समझ में? भैया रेगुलर पेंटागॉन है ना मेरे पास में, क्या एक रेगुलर पेंटागॉन, ये लो। मेरे पास में एक रेगुलर पेंटागॉन है, ये रहा, इसके चार वर्टाइसेस पे चार्ज रखा, सर ये रखा, सर ये रखा, सर ये रखा, सर ये रखा, और चौथा वर्ट, अब यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, इसके कारण क्या होगी? सर ऐसे होगी। चल बताए इसके कारण कैसी होगी? सर ऐसे होगी। बताए इसके कारण कैसी होगी? सर ऐसी होगी। और फिर इसके कारण कैसी होगी? ऐसी होगी। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रही है, हो रही है क्या? तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी तो ये है कि रिजॉल्व ऑल ऑफ देम अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो बकायदा एंगल भी निकालना पड़ेगा कि एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, फिर यहाँ ऐसी एक्स एक्सिस लूँगा, फिर उसके साथ में एंगल कितना बन रहा है, सब एंगल निकालना पड़ेंगे। निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगे, पर एक लंबा काम होगा। और अगर मैं जरा खोपड़ी का इस्तेमाल करूँ तो सिर्फ एक स्टेप में आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? एक स्टेप में आंसर क्या आएगा भैया? सिंपल सी बात है, अभी चार वर्टेक्स पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। मेरे को सर ने बताया था कि अगर तू पांचों वर्टेक्स पर चार्ज रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। मेरे को सर ने बताया था कि अगर पांचों वर्टेक्स पर चार्ज रख दो तो वैल्यू जीरो हो जाती है। यहाँ चार रख दिए उन्होंने, तो एक काम करो, जैसे ही पांचवे पर रखोगे अगर उतना ही चार्ज, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसे ही पांचवे पर रखा वैसे ही जीरो हो गई। इसका मतलब यह है कि इन चार के कारण जितनी आ रही है उतनी उस अकेले पांचवे के कारण आ रही होगी, और दोनों की डायरेक्शंस क्या हो रही होंगी? कैंसिल हो जाएगी। अगर तुमने इसको नहीं रखा तो जीरो नहीं है, नहीं है। जैसे यहाँ रखा वैसे यहाँ जीरो होगी। इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब यह है कि इन चार के कारण मिलकर जितनी आई उतनी किसके कारण आ रही होगी? उसके कारण। इन चार के कारण मिलकर जितनी आ रही होगी उतनी उसके कारण आ रही होगी, और डायरेक्शंस क्या आ रही होंगी? तो आप इन चार के कारण निकाल लो। आप किन के कारण निकाल लो? तो वही पांचवे के कारण होगी। बोलो दुर्गेश, समझ में आई बात? तो उस पांचवे के कारण क्या होगी? सेंटर पे, सिंपल सी बात है, कितनी होगी? उस पांचवे के कारण ये होगी, वही इन चारों के कारण होगी। तो आपको इन चारों के कारण पूछिए, तो या तो आप चारों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करो, दूसरा बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेप में आंसर आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, इन चारों के कारण मिलकर जितनी आएगी उतनी उसके कारण आ जाएगी, और इन चार के कारण कुछ ऐसी डायरेक्शन आएगी, पांचों के कारण कुछ ऐसी हो जाएगी, ये कैंसिल होगी, कितना हो जाएगा? तो आप इन चार के कारण निकालो, उसके बजाय आप किसके कारण निकाल दो? पांचों के कारण। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? तो आप पांचों के कारण कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? क्यू बाय स्क्वायर। पांचों के कारण आ रही है क्यू बाय स्क्वायर, बस वो निकाल दो आंसर। ठीक, पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, चारों के कारण आप निकाल दो और सम कर दो, कितना आएगा? क्यू बाय ए। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? ठीक, कहिए, कर लीजिए। कर लिया भैया? इन चारों के कारण जो होगी वो क्या होगी? समझ गए? उतनी उसके कारण होगी, क्योंकि जब तक तुमने पांचवे पर नहीं रखा तब तक नॉन जीरो है, और जैसे ही रखा वैसे कितनी हो गई? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इन चारों का जो टोटल इफेक्ट आ रहा है उस पांचवे के इफेक्ट के बराबर हो। बोलो, ठीक है, एक सिंपल सवाल और लिख लो। चलो, एट फोर वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन, एट फोर वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन चार्ज क्यू इज केप्ट,
एट फोर वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन चार्ज क्यू इज केप्ट। फोर वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागॉन चार्ज क्यू इज केप्ट एंड एट फिफ्थ वर्टेक्स चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट एंड एट फिफ्थ वर्टेक्स चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट। डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर इज ए। डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर इज ए। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Determine electric field and electric potential at center. Determine electric field and electric potential at center. करिए, हो गया? Electric field कितनी आई बताओ? 2Q by और potential 3Q by। भाई ये तुम्हारे पास में क्या है? Q, Q और ये कितना? माइनस Q। अब तुम अभी तुमने पिछली प्रॉब्लम में क्या देखा? इन चारों के कारण जो आ रही होगी, जैसे इसको अपन ने वन नाम दे दिया, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, तो इन चारों के कारण, किसके टू थ्री फोर फाइव के कारण कितनी आ रही होगी? क्यू बाय स्क्वायर। और ये पांचवे के कारण कितनी होगी? ये वन के कारण, वन के कारण भी इतनी होगी क्यू बाय स्क्वायर। इन चारों के कारण तुमने अभी देखा ना ऊपर तरफ आ रही है और वो माइनस हो गया, इसलिए उसकी भी ऊपर आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इन सबका? नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं? क्योंकि इन चारों का अपन ने इफेक्ट क्या देखा? इन चारों का जो इफेक्ट आएगा वो किस तरफ आएगा? इस तरफ। और वो पांचवे का भी, वो पहले वाले का भी उस तरफ ही आएगा। आएगा? अच्छा, पोटेंशियल का जहाँ तक सवाल है तो क्या होगा? पोटेंशियल का सवाल है तो वो क्या होगा भैया? पोटेंशियल जो होगा, पहले वाले के कारण पॉजिटिव, दूसरे वाले के कारण पॉजिटिव, तीसरे वाले के कारण पॉजिटिव, चौथे वाले के कारण पॉजिटिव, और एक क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर क्या आ गया? ठीक कर लिया भैया? बोलिए। चलो अब यहां ना मैं प्रिसाइज़ तुम्हारे को इसी में ही बता दूं, ये एक सर्कुलर रिंग है भाई। हम सामने से देखेंगे तो इस तरह की एक रिंग है ये। इसको साइड से देखेंगे तो साइड से देखेंगे तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी। ये रिंग है, इस रिंग को चार्ज कितना दे रखा है मैंने? इस रिंग को चार्ज दे रखा है मैंने क्यू। इस रिंग को चार्ज मैंने दे रखा है क्यू। और इस रिंग की रेडियस कितनी बेटा? इस रिंग को चार्ज दे रखा है क्यू और इसकी रेडियस कितनी है? सुनाई नहीं दिया मेरे को? आर रेडियस। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है इसकी? ये लाइन क्या कहलाती है इसकी? एक्सेस कहलाती है। बोलो, आई रिपीट, ये तुम्हारे पास में सामने से देख रहे हो सर्कल है, ये रिंग है। अभी मैं इसको साइड कर दिया, ऐसा रिंग का प्लेन ऐसा है। अभी ये रिंग का प्लेन ऐसा है, रिंग कैसी है अभी? सर्कल अभी ऐसी रखी है तो अपने को एलिप्स दिख रही है। ये इसका सेंटर, क्या है सेंटर इसका? ओ। ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस बोलते हैं। ये जो सर्कुलर रिंग तुमको नजर आ रही है, इस रिंग की रेडियस कितनी है बेटा? इस रिंग की रेडियस कितनी है? आर रेडियस है। ठीक है, इस पूरी रिंग पर मैंने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? बिल्कुल यूनिफॉर्मली मैंने चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? यूनिफॉर्मली मैंने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? ये उसकी एक्सेस है। ये क्या है उसकी? एक्सेस है। ये लाइन कहलाती है उसकी एक्सेस। एक्सेस कौन सी लाइन होती है? जो इसके सेंटर से गई और इसके प्लेन के क्या है? ठीक है, अब मान लो ये जो पॉइंट मैंने लिया है इसकी सेंटर से
एक्स दूरी पर लिया यहाँ, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, इस जगह पर कितनी आएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4 pi epsilon naught, तो कॉपी पेस्ट करना होता हमेशा ही मेरे को, और वो आएगी क्या भैया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यू एक्स अपॉन क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर कितनी, 3/2। उस पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर, ये पॉइंट कहाँ पर है, एस, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, एक्स दूरी पर, बोलो ना। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई, और वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 pi epsilon naught इंटू कितना, क्यू अपॉन अंडर द रूट कितना बच्चों, आर स्क्वायर प्लस, ठीक है। आई रिपीट, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकाला है, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, ये कहाँ निकाला है, एक्सिस पर निकाला है। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इतनी आ गई सर, एक्सिस पर पोटेंशियल कितना आ गया, इतना आ गया सर, बोलो रे। ये सर्कल था, ये इसका सेंटर ओ, सेंटर से दूरी एक्स पर, एक्सिस कौन सी लाइन होती है जो कहाँ से पास हो रही है, और इसके प्लेन के क्या है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। अब अगर मुझे इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिंग के सेंटर पर निकालना हो, कहाँ निकालना हो, सेंटर पर, सेंटर मतलब कहाँ पर निकालना हो, ओ पर, तो सेंटर पर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू कितनी कर दोगे, सेंटर पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये जो डिस्टेंस लिए तुमने वो सेंटर से लिए ना, अब अगर तुम सेंटर पर ही आ गए तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो वहाँ रखो एक्स की वैल्यू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी जरा चेक करो, इसको जीरो पुट कर देने से, 1/4 pi, यहाँ जीरो रखा, लेकिन न्यूमरेटर में जैसे ही जीरो रखा हटा, सब कुछ खत्म हो गया भैया, क्या आ गया, अरे बोलो ना यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई, बोलो आ गई, ठीक, क्योंकि तुमने एक्स जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया, और मैं मुंह जबानी बोल सकता था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर पूरी रिंग को चार्ज क्यू दे दोगे, स्प्रेड कर दोगे, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी है, जीरो ही आनी है ना सर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं अपन ने। अच्छा पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन क्या, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर, कितना आ गया ये, क्यू अपॉन बोलिए, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, सेंटर पर पोटेंशियल आ गया, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सेंटर पर पोटेंशियल ये आएगा, तो बहुत मुँह जबानी में सोच सकता था कि सेंटर पर पोटेंशियल ये आएगा, बोले कैसे, बोले सीधी सीधी बात है, यहाँ पूरा का पूरा चार्ज क्यू जो रखा है वो इससे कितनी दूरी पर रखा है, पूरा चार्ज क्यू इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कि डिस्टेंस कितनी है, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी वैसे भी, तो अगर चार्ज क्यू से डिस्टेंस आर पर पोटेंशियल निकालोगे तो क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught आर आएगा ही ना, कि नहीं आएगा, ठीक। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ये समझ में आया, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अभी डिराइव नहीं करवाया, पोटेंशियल ये, ठीक है बेटा। कहाँ पर निकाली है तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिंग है सर्कल यहाँ पर, जो इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, इसके सेंटर से एक्स दूरी पर है, बोलो, सेंटर से एक्स दूरी पर है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले मैंने, क्या निकाले, ठीक है। अब तुम अगर रिंग के सेंटर पे चले गए तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पर ऊपर जीरो रखोगे ये पूरा जीरो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो जीरो हो गया। वैसे भी तुम समझो अगर चार्ज क्यू ऐसा रखा हुआ है तो सिमेट्री से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, फिर लिखा था अभी, और पोटेंशियल का जहाँ तक सवाल हो तो यहाँ पर रखो एक्स की वैल्यू जीरो रखो, तो जीरो का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जीरो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, उसका रूट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यूँ समझो कि पूरा का पूरा चार्ज क्यू
सेंटर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है? आर दूरी पर, तो पोटेंशियल यही आना है, आना है। जी हो गया बेटा, ये लिख लिया। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्लियर? अरे बोलो, डिटरमाइन पोजीशन ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, डिटरमाइन पोजीशन ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, डिटरमाइन पोजीशन ऑन एक्सिस ऑफ रिंग determine position on axis of ring where electric field is maximum, determine position on axis of ring where electric field intensity is maximum. हाँ भैया, हुआ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, सीधा सीधा अपन बाकी सब छोड़ो, सब गया तेल लेने, अपन तो ये देखो ये फोर पाप्स नोड को भी छोड़ दो, कहाँ को अपन वो करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर क्या बेटा, 3/2। अरे बोलो ना, और हमने कल भी इस तरह का देखा था, ई मैक्सिमम है, जब भी कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो कर दो आप, इसका डेरिवेटिव क्या करोगे आप, जीरो भाई, इसका डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, जब भी कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्यू एक्स अपॉन क्या, फोर पापसन और तो कॉन्स्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं होगा, इनफैक्ट क्यू से भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि क्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो ये जीरो करो। अब ये जीरो कैसे होगा, ये जीरो ऐसे होगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, डिनोमिनेटर का इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आएगा, अरे बोलो, इसका स्क्वायर कर दो तो वो ये आ जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का क्या होगा, पावर आगे ला दी, एक पावर कम कर दी, और फिर आर स्क्वायर का जीरो और एक्स स्क्वायर का कितना, 2x, और इसको इक्वल टू कितना कर दिया, बोलो ना यार क्या करा मैंने, भाई आप करो ये मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया है, मुझे करना ही नहीं चाहिए कायदे से, आपने फट से करके देना चाहिए मेरे को, 15 सेकंड का काम नहीं, 20 सेकंड का, समझा रहा हूँ टाइम लग रहा है मुझको, वरना है क्या इसमें करने लायक, क्यू तो कॉन्स्टेंट था उसे डिफरेंशिएशन के बाहर ले आए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, और फिर इसका क्या होगा सर, पावर आगे ला दो, एक पावर कम कर दो, फिर आर स्क्वायर का कितना, जीरो, और एक्स स्क्वायर का कितना, ये अभी इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, जी सर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वाला टू, अब ये टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अभी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये तो सब जीरो हो गया, अभी यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, इसको कॉमन निकाल दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर कितनी, कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाला तो बाकी कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना, ये कितना बचेगा, 3x² और इस इक्वेशन को कितना हो जाएगा, भाई ये क्यू डिफरेंशिएशन के बाहर चला गया, हटाओ वो अब जीरो में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का x का 1, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे ला दोगे, एक पावर कम कर दोगे, फिर आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब जब तुमने इसको किया तो ये यहाँ आ गया, ये चला गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2 कॉमन निकाल दिया, तो बाकी क्या बचा, अरे डेढ़ में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, डेढ़ में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, एक,
माइनस क्या 3x इंटू एक्स कितना हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जीरो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, क्यों पॉजिटिव है, आर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका तो जीरो होने का सवाल नहीं है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस क्या 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो ये तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आर स्क्वायर बाय 2, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस क्या 2। तो दीज आर दोज पोजिशंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। प्लस करोगे मतलब क्या आएगी मालूम, प्लस करोगे मतलब रिंग के इस तरफ और माइनस करोगे मतलब रिंग के इस तरफ, वो पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। भाई जब भी कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती, कल भी एक सवाल करवाया था मैंने, चार्ज को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो अपने समरी क्या बनाई थी, दोनों पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, दोनों पार्ट्स के चार्ज का रेशियो कितना रहा चाहिए 1:1, उन दोनों में से किसी भी एक पार्ट और ओरिजिनल चार्ज का रेशियो क्या रहा चाहिए 1:2। कराया था कि नहीं कराया था भैया, कभी भी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा सर, जीरो होगा। सो दिस इज द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स नोट इट डाउन। अब ये मैक्सिमम कब होगी ये निकाल दिया, लगे हाथों तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी कर लिया, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगी। अभी मेरे से सर ने पूछा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालूंगा, आर बार रूट टू पुट करो, सीधी बात है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, फार्मूला क्या है, क्यू एक्स, क्या चीज है, क्यू एक्स अपॉन क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर कितनी 3/2, बोलो ना, क्यू इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आर बाय टू रूट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा वो आर स्क्वायर बाय टू, बोलो। अब ये क्या हो गया तुम्हारे पास, देखो ये क्यू आर बाय रूट टू ये, और ये क्या होगा 3/2 आर स्क्वायर होल की पावर कितनी 3/2। अभी देखो ये क्या होगा और ये क्या होगा 3/2 की पावर 3/2 मतलब कितना, और ये क्या होगा 3/2 की पावर 3/2 पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, पावर 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 3√3/2√2, बोलो नहीं आ समझ में भाई, ये थ्री स्क्वायर है ये वो है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा 3/2 की पावर, किसी की भी पावर 1.5 का मतलब क्या होगा, 3/2 का मतलब क्या होगा, एक बार वो लिखो और एक बार उसका रूट लिखो, तो 3√3/2√2, अभी √2 से √2 क्या हो गया, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा 2³ अपॉन कितना 2 ऊपर चला जाएगा तो 2³ अपॉन कितना आ जाएगा, और वो 1/4 का ऑप्शन और तो मुझे लिखना ही है, अरे कहो करिए कर लिया बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ आएगी, ये चीज़ें ये मैक्सिमम मिनिमम वाली फटाक से काम होना चाहिए भैया, लल्लू डिफरेंशिएशन है, बायो वालों से नहीं होगा मैं समझता हूँ, याद रख लेना भैया हमारे को ये कि कहाँ पर मैक्सिमम है और कितनी मैक्सिमम, ठीक। चलो लिसन, ये तुम्हारे पास पर रिंग,
ये तुम्हारे पास में क्या है? रिंग है। और ये क्या है? रिंग की एक्सेस है। ये क्या है? ओरिजिन। अरे बोलो, ठीक है। अब तुम्हारे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक, ये इस एक्सिस पर तुमने सेंटर से डिस्टेंस ली और इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, इस एक्सिस पर तुमने क्या ली? सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस दे देना अपना एक्स, और इस एक्सिस पर क्या ली? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम यहाँ देखो, ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ग्राफ ऐसा बनेगा भैया, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या होगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सर जीरो। और मैक्सिमम कहाँ आती थी? मैक्सिमम कहाँ आती थी? आर बार रूट टू। कितनी मैक्सिमम आती थी वो भी अपन ने देखा अभी। अरे बोलो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, सेंटर पे तो कितनी है? जीरो ही है, कहो ना। और आर बार रूट टू पर क्या है? नोट इट डाउन, बोलते जाओ। ग्राफ हमने किसके लिए बनाया? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया। अभी ऐसे ही मैं अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ग्राफ बनाऊं, किसके लिए ग्राफ बनाऊं? ये सेंटर है, ओ किसके लिए ग्राफ बनाऊं? पोटेंशियल के लिए। तो पोटेंशियल के लिए जो ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? सेंटर पर ही आ रहा है। पोटेंशियल जो है वो कहाँ मैक्सिमम आएगा? सेंटर पर ही आएगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन, ये इस एक्सिस पर मैंने ली सेंटर से डिस्टेंस, और इस एक्सिस पर क्या लिया मैंने? पोटेंशियल। अंडरस्टूड?